This universe is only one of an infinite number. Mr. Strange. Who are you? In this vast multiverse. The multiverse. Stephen Strange, your reckoning is long overdue. Strange! Only in theaters May 6th. हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की न्यू टीवी स्पोर्ट का ब्रेकडाउन करेंगे जो 13 अप्रैल को पोस्ट किया गया है। और इसमें कुछ ज़्यादा सीन तो देखने को नहीं मिला, पर फिर भी जितना मिला है वो कमाल का है। जैसे मैं आप इस सीन को ही ले सकते हो जिसमें वांडा की एविल वर्जन इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर रही है, और इस सीन में अल्ट्रॉन बॉट्स के हेड को वांडा इस तरह से फोड़ती है जैसे मानो ये कुछ है ही नहीं। और इसके पीछे का डिस्ट्रक्शन सीन जो देख रहे हो उससे ये क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि ये कोई टेम्पेट का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि वांडा लैब के डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ आई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे सीन हैं जिसका आई थिंक आप लोग ब्रेकडाउन देखना चाहोगे। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इस टीवी स्पॉट में कुछ पुराने वाले सीन ही दिखाए जाते हैं जो हम लोग इससे पहले भी किसी ट्रेलर या फिर टीवी स्पॉट में देख चुके हैं, और एक्चुअली इस सीन को भी। पर इस बार ये कुछ ज़्यादा अलग है क्योंकि इस सीन में डिफेंडर स्टैंड साइटोरैक को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि अमरीका सावेज यहाँ से निकल पाए। और आई थिंक ये पर्पल डायमेंशन का सीन होगा जहाँ ये लोग बुक ऑफ विसंती को लेने आए होंगे। पर इस बार ये अलग इसलिए है क्योंकि अगर आप डिफेंडर स्टेंस के स्पेल का कलर देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर कलर का दिखेगा, पर इससे पहले वाले जो टीवी स्पॉट देखे थे उसमें ये सेमी सीन में ऑरेंज कलर का था। तो आई थिंक डिफेंडर स्टेंस और डॉक्टर स्टीफन स्टेंस का मैजिक का कलर इस मूवी में डिफरेंट होने वाला है, जिसे आप इस सीन में भी नोटिस कर पा रहे होंगे। खैर, इसके नेक्स्ट शॉट में ही डॉक्टर स्टेंस के सुप्रीम वर्जन दिखते हैं जहाँ उनका थर्ड आइज यहाँ पे ओपन होगा। वैसे इस टीवी स्पॉट में तो होता नहीं दिखाया गया, पर इससे पहले वाले ट्रेलर में दिख चुके हैं। और मैं सीन को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा था जिसे मैं अरेंज करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस सीढ़ी की मदद से सुप्रीम स्ट्रेंज के सेंटर में आएंगे जहाँ पे इन दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग फाइट होगा जिसे आप इस सीन में देख पा रहे होंगे। और एंड में जब डॉक्टर स्ट्रेंज किसी पर्पल कलर का मैजिक का यूज़ करेंगे जो बुक ऑफ विसंती का एक स्पेल हो सकता है क्योंकि बुक ऑफ विसंती को पर्पल डायमेंशन से लाया गया है, तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिक कास्ट करेंगे तो फिर सुप्रीम स्ट्रेंज इस सेंटम के खिड़की से नीचे गिर जाएंगे और अनफॉर्चुनेटली मर जाएंगे, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले एक सेट फोटो आया था जिसमें सेंटम सेंटोरियम की खिड़की टूटी हुई थी। तो सॉरी टू से कि एक स्पॉयलर था जिसे मैंने बिना कोई वार्निंग के ही बता दिया। वेल, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक भी स्पॉयलर ना दूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट शॉट में क्रिस्टीन पार्मर की वेडिंग का एक सीन आता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से अपने टूटे दिल के साथ इन्जॉय कर रहे हैं, पर यहाँ पर बाहर कुछ हलचल होगा जो डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान आकर्षित करेगा। और इसके नेक्स्ट शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज एक बॉक्स में बंद है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और फिर नेक्स्ट एक सीन वांडा करप्ट वर्जन का आता है जो क्रॉस मैजिक से पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, और यह सीन इंड का होगा। और फिर नेक्स्ट शॉट में किसी के आइज दिखाया गया है जो किसका है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अमरीका सावेज का भी हो सकता है या फिर वांडा का भी, लेकिन जिसका भी वो एक विजन देख रहा है जो निगेटिव फॉर्म में है, और ये चीज़ आप इनके आइज में नोटिस कर पा रहे होंगे। और इसके बाद फिर से भाई साहब पुराने सीन ही दिखते हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद यह सीन आता है और भाई ये वही यूनिवर्स है जिसमें इल्यूमिनाटी टीम एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें आप कुछ लोगों को भी नोटिस कर सकते हो जो आपको यहाँ दिखेगा और यहाँ भी, और इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इस यूनिवर्स में लोग भी रहते हैं जो कम है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट ऑलवेज ग्रीन ही रहता है और पूरा यूनिवर्स पेड़ पौधे से भरा हुआ है। और इस जगह पर आप जो टावर देख रहे हो वो माना जा रहा है कि सुपेरियर आयरन मैन का है। वैसे मैं इस पर एक कम्प्लीट थ्योरी वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स का ट्रैवल कर रहे होंगे तो उन्हें इस यूनिवर्स में एक एवेंजर्स टावर दिखेगा जो मेन एमसीयू के टावर से काफ़ी डिफरेंट होगा और उसमें सुपीरियर आयरन मैन होंगे। वैसे मैं पूरी थ्योरी को यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि एक ब्रेकडाउन वीडियो है, ना कि थ्योरी वीडियो, लेकिन मैं इस थ्योरी पर फिर से वीडियो बनाऊंगा जो कल या फिर परसों अपलोड करूंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किए हो तो। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में फिर से वांडा के आइज के साथ ये सीन आता है जिसे देखने के बाद मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ, क्योंकि वांडा का जो लुक है वो एक्चुअली इतना एविल है कि उसके क्या ही कहने। और यहाँ पे वांडा साइड केले की लैब को आग लगाकर आ रही है जिसके बाद यहाँ पे उस पर सबसे पहले कैप्टन मार्वल की वेरिएंट हमला करेगी जिसे वांडा तो आराम से मिटा सकती है। और ये ब्लड स्टेन ये प्रूफ करता है कि वांडा बहुत सारे कैरेक्टर को मारने वाली है, इंक्लूडिंग चार्ल्स एक्सवियर। जी हाँ, चार्ल्स एक्सवियर की डेथ के रूमर तो बहुत दिनों से आ रहे थे जिसके बाद कुछ अनऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील हुआ था जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वांडा चार्ल्स एक्सवियर को मार सकती है क्योंकि चार्ल्स एक्सवियर किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जीन ग्रे की तरह चार्ल्स एक्सवियर वांडा के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। और फिर मावर, यहाँ पर तुम ऐसा ही दिखाना चाह रहे हो तो तुम सबसे बड़े चूतिए हो,
क्योंकि चार्ल्स एक्सेवियर एक्समैन के फादर हैं और इनके एक इशारे पे एक्समैन कुछ भी कर सकते हैं और इनके बिना एक्समैन के टीम को एक्सपेक्ट करना भी बेवकूफ़ी होगा। और उसके बाद भाई सब पुराना सीन आता है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसी बीच क्रिस्टीन के वेरिएंट का एक क्लियर और ऑसम लुक दिखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद मुझे शक हो रहा है कि जीन ग्रे तो नहीं है, क्योंकि इसके बाल चालधार सब जीन की तरह ही है। वेल, इसके बाद टीवी स्पोर्ट तो ख़त्म हो जाता है और साथ ही मेरा ये वीडियो भी। तो अब इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इनकेस अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए, नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने कोई फायदे भी नहीं। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।